उद्घाटन करने वाले हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। बातें करते हैं ना, मैं एक घटना सुनाता हूं। आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है, आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही, 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए, भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। यानी भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है, तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। साथियों, एक समय था जब गुजरात के लोगों की मांग होती थी कि कम से कम रात में खाना खाते समय तो कुछ देर बिजली मिल जाए, यही मांग होती थी। जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, जहां भी जाता था लोग यही मांग करते थे। आज गुजरात देश के उन राज्यों में से एक है जहां शहर हो या गांव, 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाती है। आज जो 20 साल का नौजवान होगा, उसे पता नहीं होगा कि पहले क्या हालत थी। उसे तो अंदाज भी नहीं आएगा कि इतना बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव
गुजरात के लोगों के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। अब तो किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना के तहत अलग से पूरा नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। किसानों को रात में सिंचाई की मजबूरी ना हो, इसके लिए विशेष लाइनें बिछाई जा रही हैं। भाई और बहनों, गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने नहरों तक पर सोलर पैनल लगा दिए और जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई। मुझे याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया तो ये भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था तब सोलर पावर, उससे जो बिजली थी वो 16-17 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलने की बात थी, एक यूनिट 16-17। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात ने इस पर काम जारी रखा। आज वही बिजली गुजरात ही नहीं पूरे देश में 2-3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। गुजरात ने तब जो काम किया था उसके तब के अनुभव आज देश को दिशा दिखा रहे हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा दोस्तों, बीते 6 साल में हमारी सौर ऊर्जा, उसकी हमारी क्षमता 16 गुना बढ़ गई है। हाल में एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग आई है। इस क्लीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी रैंकिंग जो है 104 देशों का मूल्यांकन हुआ और नतीजा ये निकला है कि दुनिया के 104 देशों में पहले 3 में भारत ने अपनी जगह बना ली है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, नेतृत्व कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कच्छ का किसान हो या सरहद पर खड़ा जवान, दोनों के लोगों के पानी की चिंता दूर हुई है। यहां के लोगों की विशेष प्रशंसा करूंगा जिन्होंने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांव गांव में लोग आगे आए, पानी समितियां बनी, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला, चेकडैम्स बनाए, पानी की टंकियां बनाई, नहरें बनाने में मदद की। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब नर्मदा का पानी यहां पहुंचा था, वो दिन मुझे बराबर याद था।
जिस दिन मां नर्मदा का पानी पहुंचा, शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा, दुनिया में कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा, जब नर्मदा मां यहां कच्छ की धरती पर पहुंची थी, हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बह रहे थे। वो दृश्य मैंने देखा। पानी क्या है ये कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं, शायद कोई समझ सकता है। गुजरात में पानी के लिए जो विशेष ग्रिड बनाए गए, नहरों का जाल बिछाया गया, उसका लाभ अब करोड़ों लोगों को हो रहा है। यहां के लोगों के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन का भी आधार बने हैं। देश में हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। सिर्फ 1.25 साल के भीतर इस अभियान के तहत करीब करीब 3 करोड़ घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है। यहां गुजरात में भी 80% से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा पहुंच रही चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पानी को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ ही समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसेलिनेशन प्लांट, नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का यह प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राणा, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापर, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। साथियों, कच्छ के अलावा दहेज, द्वारिका, घोघा, भावनगर, गिर सोमनाथ, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेरणा देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। भाइयों और बहनों, समय और जरूरत के साथ बदलाव करना, यही कच्छ की, गुजरात की ताकत है। आज गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मछुआरे साथी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं।
यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ डेढ़ दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण यह रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगड़ी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े दो सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं।